अस्थिभूस्तत्वशून्यास्यां शब्दस्पर्शौ स्वरूपगौ रसश्च परतो गंधो नैजः सत्ता विविच्यताम्। अस्थिभूस्त भूहु अस्ति, पहले सत्ता आ गया ना, सत आत्मा का धर्म, तत्व शून्य आर्य माया का धर्म है निस्तत्व, उसके लिए तत्व शून्य, पहले शून्य तत्व रहता है ना, अगले तत्व शून्य बोल रहे, जहां से छंद को बिठाने के लिए ऐसे करना पड़ता है। तत्व शून्य माने माया का स्वरूप, अस्याम, अस्याम माने पृथिव्याम, शब्द स्पर्शौ स्वरूप गौ रसश्च, आकाश का धर्म शब्द, वायु का धर्म सर स्पर्श, अग्नि का धर्म रूप और जल का धर्म रस, ये सारी चीजें अस्याम भवती परतो भवती, ये सारी चीजें अपने कारण बताओ अपने से भिन्न जो दूसरे थे जल अग्नि वायु और आकाश उनसे आया हुआ। खुद का क्या धर्म है फिर, नैजह गंधो, खुद का धर्म है गंध। सत्ता विविच्छताम, अरब उस पृथ्वी से सत्ता को अलग करके समझने की कोशिश करो। और पृथ्वी का स्वरूप क्या है, काठिन्य, या नहीं दिया है समझ, कठिनता, कठिन भाव, कठोर, ठोसपना, सॉलिड जो बनता है, ये पृथ्वी का धर्म है सॉलिडिटी। तेभ्य सत्ता मात्र पृथक कर्तव्य, इन सभियों में से हमें केवल करना क्या है, उस पृथ्वी से सत्ता मात्र को अलग कर देना है, बाकी सब उसमें बने रहे कोई दिक्कत नहीं, वो सब मिथ्या अपने आप में है ही। सत्ता पृथक करने फलम महा, सत्ता को पृथ्वी से अलग करने का फल क्या है वो बता रहे, पृथक कर्तायाम सत्तायाम भूमिर मिथ्या वशिष्यते भूमिर दशांशतो न्यूनम ब्रह्मांडम भूमि मध्यगम। सत्ता को पृथक करने पर क्या होता है, पृथ्वी मिथ्यात्व न रह जाती है, भूमि मिथ्या वशिष्य, मिथ्या पृथ्वी रह जाएगी, ये लाभ है। अतः एक ही सत्य तत्व रह जा रहा है, बाकी तत्व जो उसमें जो भी है वो मिथ्या होते जाते। भूमि का भी दशांश मतलब पृथ्वी का भी दशांश में प्रमाण, पूरी पृथ्वी प्रमाण नहीं हो रखी है, पृथ्वी रूपी आवरण में दशांश में ब्रह्मांड, दशांश तो न्यूनम ब्रह्मांडम भूमि मध्यगम, यह ब्रह्मांड जो है उस पृथ्वी का मध्य में है, दशांश न्यून पृथ्वी में ब्रह्मांड। हम इस पृथ्वी को थोड़ी कह रहे हैं जो स्थूल जो देख रहे हैं, पंच तत्व रूप पृथ्वी की है ना जो आवरण है, इस ब्रह्मांड का आवरण क्या है, दस गुणा पृथ्वी तत्व, उसका भी है दस गुणा जल तत्व, ये तो है ना ब्रह्मांड का आवरण, इसे सूक्ष्म पृथ्वी की बात हो रही है, स्थूल पृथ्वी की नहीं, जिस पर हम लोग जी रहे हैं इसको पृथ्वी नहीं समझना, ये तो पांच भौतिक चीज है, वह पंचीकृत की बात कह, फिर उसे स्थूल क्या हुआ, ब्रह्मांड पैदा हो गया, जो पंचीकरण हुआ स्थूल ब्रह्मांड हुआ, वो कहाँ है, वो सूक्ष्म पृथ्वी का दशांश न्यून होकर उसी पृथ्वी के भीतर में है। और ब्रह्मांड मध्य तिष्ठन्ति, देखो आगे कर संतिका में देखो, इदानीम भौतिकेभ्य ब्रह्मांड आदिभ्य, पहले क्या था भूतों की चर्चा, अब भूतों से उत्पन्न क्या है पंचीकरण होकर के भौतिक प्रपंच, भौतिक प्रपंच सबसे पहले ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के अंदर विभिन्न लोक, लोकों के अंदर अंदर विभिन्न प्रकार के शरीर, इस तरह से क्रम से देह में आ रहे। इदानीम भौतिकेभ्य ब्रह्मांड आदिभ्य स्वतो विवेचनाय तद अवस्थान प्रकारम दर्शयति, आप जो भूतों से उत्पन्न जो भौतिक सृष्टि है ब्रह्मांड आदि उनसे भी हमें सत्ता को अलग करके दिखाना है और बताना चाहेंगे शरीर से लेकर सारा चीज जो कुछ भी है सब सत्य से अलग है मिथ्या है। ब्रह्मांड मध्य तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश भुवनेषु वसन्त्येषो प्राणि देहाय यथायथम्, उस ब्रह्मांड के भीतर क्या है, ब्रह्मांड के मध्य में चतुर्दश भुवनानि तिष्ठन्ते 14 लोक है, उन लोकों में क्या है भुवनेश वसन्त्येषो प्राणि देहाय यथायथम्, एष भुवनेश इन लोकों में प्राणि देहा यथायथम् वसन्ति, जैसा जैसा लोक है वैसा वैसे शरीर है, विचित्र विचित्र शरीर दिखाई देंगे, यहीं पर जब वरुण लोक में चले जाओ
इस स्थूल पृथ्वी में देखिए ऐसा विचित्र विचित्र कीटाणु दिखाई देते हैं, कभी आप देखे नहीं, एक से एक विलक्षण रंग बिरंगी भी सुंदर सुंदर। इंद्रगोप कीड़ा देखा, इंद्रगोप कीड़ा क्या कमाल है इसका। नीलकंठ पक्षी आती है, कितने रंग है उसमें, कितने सुंदर लगते, रंग बिरंग बना रखे। जैसा जैसा उस जीव के भोग के लायक दुनिया है वैसा उसका शरीर है, छोटे से छोटे भी है शरीर, विशाल से विशाल मछलियां देखो, भेल मछली है कई क्विंटल बड़ा हो, जहाज से भी लंबा चौड़ा हो, ऐसी भी मछलियां जहाज को पलट देते हैं, इतनी जबरदस्त मछली, और उसको मार भी देंगे उसको लाने से तो कोई उठा करके उसको क्रेन से लाया जाता है, क्रेन लगा करके चेनों से बांध करके लाते हैं, जब तट पर ही उसका मशीन लगा हुआ काटने के टुकड़े कर, कहा देखिए कौन सी ट्रक पे जाएगा, होगा इतनी बड़ी टुकड़े करके ट्रक में डालना पड़ता। तो ऐसे ऐसे विशाल शरीर भी हैं उसी जल के अंदर। और इस पृथ्वी में देखो कैसे कैसे आदमी है, 8-8 फुट लंबा आदमी भी है और 1.5 फुट 2 फुट वाला आदमी भी है, सभी तरह है। इसे यथायत्तम प्राणी देहा वसंती, अनंत आनंद प्रकार के शरीर एक दो नहीं, इसलिए 84 लाख योनि कहते हैं, 84 लाख प्रकार के जीव जाति है, और जातियों के प्रभिन्न प्रभेद को तो गिनो ही मत, कितनी है। तीसरे कहते हैं वो तो गिनने गिन के नहीं बता रहे, कहते हैं भाई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, तो सब जानते ही है, इसे स्पष्टम कह दिया, इसका व्याख्या नहीं कर रहे। तेषु सद्विवेचने फलम माहा, अब उन उनको भी क्या करना है, ये भी सत से भिन्न निश्चय कर लेना, ये भी वास्तव में सत नहीं है, अनुवृत्ति और व्यावृत्ति रूपी युक्ति से निश्चय कर लो, श्रुति से निश्चय कर लो, ये तो पता है श्रुति और युक्ति। ब्रह्मांड लोक देहेशु सद्वस्तु पृथक हृदय असंतो अंडादियो भांतु तद्भाने पिय काक्षति ही। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर लोग, लोगों के जो देह है, इन सभीयों में सत वस्तु नहीं पृथक है, इन सभीयों में जो भाषा तो सत को पृथक करके अनुभव करो, वास्तव में शरीर मिथ्या है, देहो अस्ति, अस्ति जो अंकार है वही सत्य है और देह वास्तव में मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, लोक मिथ्या है, ब्रह्मांड मिथ्या है, सत्य एकमात्र सारे कल्पित है जिनमें वह ब्रह्म ही सत्य। तो क्या हो जाएगा फिर, तो असत हो जाएंगे ब्रह्मांड आदि, कहते घबराते क्यों, होने दो इनको असत, असंतो अंडा देव भांतु, कहते महाराज यदि असत फिर भान क्यों हो रहा है, नहीं भान होना चाहिए, कहते भांतु, अरे होने दो भान, तेरा क्या बिगड़ना है। तद भाने अपि यह का क्षति ही, वह भान भी हो जाए तुम्हारा इस आत्मा में क्या क्षति हो रहा है, जैसे आकाश में रूप नहीं है ये सब जानते हैं, फिर रूप भान होते रहे तो आकाश की कोई क्षति होगी क्या, आकाश में रूप नहीं ये सब जानते हैं, इसलिए आकाश का जो नील रूप दिख रहा है ये असत्य है, असत होते हुए भी वो भान हो रहा है, भान होने पर कोई क्षति हो रही है आकाश का, कोई क्षति। उसी प्रकार से ये सारे ब्रह्मांड शरीर लोक वगैरह असत होते हुए भी यदि आपको भान हो रहा है तो भाने में दो, इससे तुम्हारी आत्मा में कोई क्षति नहीं होती। इसको तो ऊंट दृष्टांत समझाते हैं, तुम इस एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हो, अनंत ब्रह्मांड कल्पना हो गए उस आत्मा पे, तो आत्मा पर आज तक कोई असर नहीं हुआ है, आज जब परिदृश्य मानी छोटी सी जगत, छोटा सा दुख, एक छोटा सा शरीर का मरने पर तुम परेशान हो रहे हो, जिस आत्मा पे अनंत ब्रह्मांड का परिणाम जो है सृष्टि हुई, स्थिति हुआ, प्रलय हो गया, वो आत्मा तुम हो, और आज उस आत्मा पर दिखाई दे रहे छोटा सा शरीर, जिस शरीर के साथ तुम अहंता ममता कर लिए हो, और वह शरीर मरने लगता है तुम परेशान हो रहे, क्या आप वो आत्मा नहीं है जिस पर अनंत ब्रह्मांड कल्पित है, अनंत ब्रह्मांड कल्पित है, उसे रोज रोज अनंत ब्रह्मांडों का कई स्थिति हो रहा है, कई सृष्टि हो रहा है, कई प्रलय हो रहा है, ऐसी आप आत्मा है,
आपूसा वो आत्मा है जिस पर कहीं ब्रह्मांड का प्रलय हो रहा है इस समय, कहीं सृष्टि हो रही है, कहीं स्थिति चल रहा है, वो आत्मा आप है। उस आत्मा पर स्वयं के अंदर परकल्पित परिकल्पित और दिखाई देता हुआ इस छोटे से शरीर का मरने पर क्यों परेशान होते? कहते गुरुणा भी दुखे न विचार लेते, गीता को बोलते भयंकर दुख आ जाते भी हम विचलित नहीं होंगे, और छोटी सी बीमारी हो जाए, खांसी हो जाए, परेशान हो जाते। श्री वेदांत पढ़ना सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रयोगात्मक जीवन में जो है बहुत कठिन। चिंतन करो नित्य निरंतर, जगत मिथ्यात्व की चिंतन करो। सबसे बड़ी चीज दूसरे को मिथ्या करने मत करो, पहले अपने को मिथ्या सिद्ध कर लो। अपने जीव भाव की मिथ्यात्व निश्चय हो जाए तो सारी कहानी खत्म हो जाती। हम जगत मिथ्यात्व में लगे हुए हैं, अरे भाई छोड़ो इसको, वो तो है ही नहीं, इसको पीछे क्यों पड़े हो? जो वास्तव में है, जिसकी वजह से ये सब है दिख रहा है, उसको मिथ्या कर दो। कौन है? वो जो खुद है। इसलिए संत लोग कहते हैं प्रॉब्लम इज यू, द सॉल्यूशन इज यू। समस्या आप, समाधान भी आप ही, कोई दूसरा नहीं करेगा समाधान। कोई भी व्यवहारिक भी समस्या ले लो, समस्या का कारण आप होते हैं और समाधान भी आप खुद निकाल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। यदि किसको लग रहा है कि समस्या हो रही है हमसे, तो समस्या कारण खुद है वो, तो समाधान खुद कर सकता है हमसे बैठ करके, लेकिन माने तो तब एन वो आरोप लेने आपके वजह से समस्या है, फिर तो गया। जो व्यक्ति समस्या का कारण खुद होता है, दूसरे में उसको ढूंढ रहा है कारण, दूसरा कह रहा है, उस व्यक्ति की समस्या कभी समाधान हो नहीं सकता। तो समस्या कोई समाधान, क्योंकि आप समस्या का कारण दूसरे को कह रहे हो, दूसरा है वो कारण है समस्या का। और सच्चाई में समस्या कारण खुद होता है। एक वो दृष्टि आ जाए, वर्तमान समस्या खुद कारण मैं ही हूं, मेरे ऐसे कौन सी कार्य है जिसकी वजह से आज समस्या खड़ी है, या उस चीज को पकड़ लेता है तो समाधान चुटकी में। ये अब आश्रमों में हम लोग रहते रहे, समस्या आती थी। समस्या क्यों आती थी? पहले हम लोग समझते थे कारण क्या है, कारण हम ही लोग हैं। अगले भी ईर्ष्या द्वेष क्यों हो रहा है? क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे आगे बढ़ना हम रोक नहीं सकते, तो ईर्ष्या द्वेष से भी आप दूर नहीं हो सकते, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे। आपका प्राण कर्म है, आपको विद्या प्राप्त होनी है तो आपको होगा, अगले विद्या प्राप्त नहीं होने तो नहीं होगा, वो ईर्ष्या द्वेष करेगा, आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसी समस्याओं का समाधान अत्यंत कठिन, कि समस्या आपकी अभिवृद्धि है ना, और अभिवृद्धि आप पुरुषार्थ से ज्यादा प्रारब्धाधीन होकर यदि हो रहा है तो उसे आप रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते प्रारब्ध को। इस वजह से समस्या खड़ी होगी, ईर्ष्या द्वेष हो रहा है। ऐसी स्थिति में समस्या का समाधान कुछ भी नहीं, क्योंकि वाक्य वहां समस्या है ही, वहां दोष है। समस्या अलग है, दोष अलग है। इसे पर गुणेश दोष आविष्करण ईर्ष्या, एक दोषों में गिनती किया, पर गुणों में दोष को देखने का नाम ही ईर्ष्या है, दूसरे का अभिवृद्धि में जलन होना ही ईर्ष्या है। उसके समाधान को खुद ही करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा मेरे अंदर उसकी अभिवृद्धि में ईर्ष्या आ रही है, कारण क्या है? मेरी अभिवृद्धि के अभाव है ना, अगले की अभिवृद्धि और जलन क्यों हुआ? मेरे अंदर अभिवृद्धि नहीं हो रही और उसकी अभिवृद्धि हो रही, अर्थात जलन का कारण कौन है? उसकी अभिवृद्धि नहीं, मेरी खुद की अनभिवृद्धि। खुद की अनभिवृद्धि का कारण क्या है? खुद के पूर्व जन्मों का पाप। यदि ये बात समझ लेगा समस्या रह जाएगा, कोई फिर राग द्वेष रह जाएगा, बल्कि खुद के पाप को प्रायश्चित करने की कोशिश करेगा ताकि विद्या में बाधा दूर हो जाए, और ईर्ष्या करना द्वेष करना छोड़ देगा। खुद के पाप जो ज्ञान में प्रतिबंधक बन रहा है, अभिवृद्धि में प्रतिबंधक बन रहा है, उसके निवारण के उपाय सोचेगा। ये समस्या क्या होता है? व्यक्ति खुद के पाप को स्वीकार करने की तैयार, स्वयं के अनभिवृद्धि का कारण स्वयं के पूर्व जन्मकृत पाप है या इस जन्मकृत पाप है, तो उसके अनुकूल हमें प्रायश्चित कुछ करना चाहिए, इस पर वो सोचता है, तब सारी समस्या। और समय से कोई समाधान नहीं, स्वतः ही समाधान उसका हो जाता है जब अगले ने ईर्ष्या कर करके जो ईर्ष्या के कारण से
जो ईर्ष्या करने योग्य नहीं है उस व्यक्ति के प्रति वो पाप करेगा। जब पाप की घड़ा भरेगी वह स्वयं ईर्ष्या करने वाला नष्ट हो जाएगा। हमने कहीं बोल बट आप जो अभिवृत्ति पा रहे हैं अपने प्रारब्ध कर्म की वजह से आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। बस ये जो आसुरी वृत्ति होते हैं पाप प्रधान वृत्तियां वो शुरू में तो हावी होते ही हैं। देवी वृत्ति जितने भी इतिहास है देख लीजिए पुराणों में उपनिषदों में भी सदा पहले क्या होता है देवी वृत्ति हार जाती है। देवता लोग पहले हार जाते हैं, असुर लोग तीनों लोगों पर राज्य करते, फिर भगवान की कृपा हो जब होती तब असुरों का पराजय होता है। क्यों होता है वो भी क्योंकि असुर लोगों को मारने के लिए जो अवतार भगवान कब लेते हैं तब जब उनके पाप की घड़ा पूरी होती है। असुर लोग जब अधिकार में आ जाते पाप करना शुरू कर देते। यही यहाँ लोक व्यवहार में देखने को मिल रहा है। देवी वृत्ति वाले साधकों के खिलाफ आसुरी वृत्ति वाले जो साधक क्या होते हावी हो जाते और आसुर वृत्ति वाले साधक हावी होकर के पाप पर पाप करते जाते। नतीजा अंत उस आश्रम वृत्ति वाले साधक को आश्रम छोड़ के चले जाना पड़ता। लेकिन देवी वृत्ति वाले साधक को धैर्य रखना पड़ता है इस बीच में, यदि नहीं रखेगा तो वो परास्त हो जाएगा। लेकिन परास्त होने पर भी अंत में विजय तो देवी वृत्ति का ही होता है। शुरू में भले देवी वृत्ति वाला परास्त हो जाता है परेशान हो जाता है लेकिन अंत में विजय तो देवी वृत्ति का ही होती है। इसलिए हम कहते हैं हमेशा धैर्य रखो। यदि आप सही हैं घबरा क्यों रहे हैं, धैर्य रखिए सब समान आ जाता है। यही यहां पर कहते हैं कि सही का पूरे इसमें जाओ लेकिन अपने शरीर में पहले मिथ्या का निर्णय कर लो, अपने जीव भाव में मिथ्या का निर्णय कर लो। समस्या बंधन का या ब्रह्म विद्या की अनुभूति के अभाव या वेदांत का जो अपने प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोगात्मक जीवन में न उतरने का कारण क्या है, आपके अंदर विद्यमान जीव भाव। ये जीव भाव क्या है, अहंकार। अपने अहंकार को तोड़ दो फिर देखो वेदांत जीवन में उतर जाता है। इसलिए कहते हैं बहुत सुंदर इस विषय में चैतन्य महाप्रभु का त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सुहिष्णुना। त्रिनादपि सुनीचेन अपने आप को एक घास के से भी नीच मान लो। जैसे घास क्या है, कोई लात मार के जा रहा है, धूल उड़ा रही है, कोई ट्रक उस पर जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कुछ मूत भी दे रहा है, कभी कुछ घास कुछ बोलेगा सुखा घास उड़ा दिया हवा ने घास को, हवा में घास प्रतिरोध करेगा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, जैसे वृक्ष है वो कितना सहिष्णुता है, एक एक कड़कड़ा के धूप आप खड़े नहीं हो सकते, छाता ले लोगे, कपड़ा डालोगे, दुनिया पर ड्रामा होगा, लेकिन वो पेड़ सारा धूप को सहन कर रहा है और आपको ठंडी हवा और छाया दे रहा है, बारिश को सहन करता है, आपको छाते के समान काम करता है। आप निर्दय अगर लकड़ी काट देते हैं जला देते हैं लेकिन चुप रहता है, बोलता है तरोर रपि सहिष्णु, कितनी सुंदर बात कही। एक और चीज है कुछ उसमें तृतीय पाद भूल रहा हूं, तेन सेव्यो हरि, ऐसे जो साधक के द्वारा ही वो हरि माने आत्मा सेव्य हो जाता है। एक और एक दृष्टांत है, तीसरी पाद ध्यान नहीं आ रही है इस समय, माने कहने का मतलब क्या हुआ, अपनी जीव भाव मैं कुछ हूं यही तो सबसे बड़ा बाधक हो रखा है। जब मैं पना आ गया है मैं भी कुछ हूं, मैं एक भक्त हूँ समझ ले वो भी गड़बड़, मैं साधक हूँ समझ नहीं भी गड़बड़ है, सिद्ध समझना से गड़बड़ है, मैं गुरु हूँ ये समझना ही गड़बड़ है, मैं शिष्य हूँ समझना भी गड़बड़ है, शिष्य हो तो फिर अपेक्षाएं बढ़ गई, कुछ भी हूँ समझा आपने तो गए, यह क्या समझना है, मैं हूँ बस, मैं हूँ और मैं क्या आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा हूं, उसे कुछ भी मैंने जोड़ा, मैं पुरुष हूं स्त्री हूं मनुष्य हूं पशु हूं ब्राह्मण हूं, कुछ भी मैंने जोड़ा तो गए। इसे कटो पर अस्तित्व उपलब्धव्य नचिकेता को कहते हैं,
अस्तिक करके उसका अनुभव करना है। कुछ भी सविशेष जोड़ा आपने, निर्विशेष ब्रह्मानुभूति नहीं। पुरुष समझा तो शरीर भी सविशेष घुस गया है या नहीं? मनुष्य समझा तो सविशेष जोड़ गया। निर्विशेष को अनुभव करना है तो सारी सविशेषताओं को त्याग देना। इसलिए हम गद्य आचार्य हैं आप, हमें सोचते तो गाली दे रहा, बेफालतू के उपाधि जोड़ दे रहा है। अरे भाई काय को उपाधियां जोड़ रही हो? जो उपाधियां वैसे स्वतः ही अनेकों जन्मों के पाप से प्राप्त है, इन्हीं उपाधियों से परेशान हो और पर तो और उपाधियां जोड़ रहा है, बिल्कुल बेकार काम, बिल्कुल बेवकूफी है। हाँ नौकरी पाना है, शादी करके बच्चा पैदा करके पालना है, नौकरी करना है तो ठीक है, वो व्यवहार सर्टिफिकेट पाओ, नौकरी पाओ, धंधा मिलो। ये महात्मा होना है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, मुक्ति चाहते हो, वेदांत को अनुभव करना चाहते हो, तो इसे बड़ी मूर्खता नहीं जो परीक्षा देना, इसे बड़ी मूर्खता क्या जरूरत है। हमारे को जब हम गोविंद मठ में थे, वहाँ के कोठारी संन्यास कॉलेज के मंत्री थे, उन्हें जबरदस्ती एप्लीकेशन फॉर्म लाया, मेरा नाम फोटो वोटर लगा दिए, फॉर्म भर के परीक्षा के, परीक्षा नजदीक आ रहा। तो हम चिंतन करने लगे कि ये अब क्या कर, इन्होंने फॉर्म भर दिया, ऐसा इन्होंने लगा दी, सब कर दिए व्यवस्था, प्रवेश पत्र भी ला के दे दिया, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, जबरदस्ती पीछे पड़े साइन करो साइन करो, साइन कर दिया, हमारा स्थान परीक्षा नजदीक आ गई, प्रवेश पत्र आ गया। और जिस दिन परीक्षा थी उस दिन कोठारी खड़े हो गए, चलो। मैंने कहा देखो किसी भैंस को चला के ले जाओ परीक्षा दिला दे, तो किसी भैंस को ले जाकर परीक्षा दिला सकते हो? मैंने फिर हमको भैंस से खराब समझ ले जा, हमको भैंस से खराब समझ ले, क्या फर्क पड़ता? क्यों मेरे पीछे पड़ा है जबरदस्ती पशुओं को हाँकते ले जा रहे कि तैयार हो, जैसे गौ को जंगल ले जा रहे हैं, जैसे मेरे पीछे पड़े, चलो चलो परीक्षा परीक्षा परीक्षा, क्यों पीछे पड़ा? ये मैं पशु हूँ क्या? तो पशु हूँ मान लो तो पशु ही है समझ लो, फिर भैंस समझ लो, ये तो भैंस से परीक्षा नहीं दिला सकते, मेरे से नहीं दिला सकते। वो कहते क्या करें? मैंने कहा आप विचार करके देखो, परीक्षा जैसे देने से क्या होगा, क्या लाभ है? शास्त्र ज्ञान के परीक्षा देने से होगा? नहीं होगा। मुक्ति परीक्षा देने से मिलेगी? नहीं मिलेगी। नया शास्त्र ज्ञान मिलना है, न मुक्ति मिलना है, न साधुता मिलनी है परीक्षा देने, सब साधु हो जाएंगे। परीक्षा नहीं देंगे तो क्या आदमी नहीं रहेगा, वो साधु नहीं रह जाएगा। जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, इस मार्ग में परीक्षा का क्या संबंध है बताओ मेरे? केवल परीक्षा देने से आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगी वेदांत आचार्य, यानी कि जितने सर्टिफिकेट थे जला के क्यों आए फिर एक और सर्टिफिकेट लेने के लिए इस मार्ग में? और सर्टिफिकेट लेकर के उपाधि तो जोड़ा और अहंकार बढ़े, मैं वेदांत आचार्य हूं, अहंकार बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट है। अजमान सर्टिफिकेट को मिलेगा क्या आखिर में? एक तो अहंकार बढ़ेगा, एक उपाधि जुड़ गई इस वजह से, और आप यही समझते हो भाई वेदांत आचार्य को प्रवचन करने बड़े बड़े मंच में बुलाया जाता है, और कहीं मंडलेश्वर पद आदि मिलेगा परीक्षा देने से, सर्टिफिकेट रहेगी मंडलेश्वर पद मिलेगा, यही सोच रहे हो तुम? हमें वो भी नहीं चाहिए, क्या करें? जिसको उपाधियों को बढ़ाना है और बंधन के जाल को ठोस करनी है, वो इन चक्करों में जाए, हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। क्या हमारा लाइन ही अलग है ना? आप लोगों का लाइन अलग है, आप लोग घर जाओगे, शादी करोगे, कुछ धंधा करना है, नौकरी करना है, कुछ और करना है, कीर्तनकार बनना है, लिखना पड़ेगा वेदांत शास्त्री कीर्तनकार हमको महाराज, नहीं लिखेंगे तो कौन पूछेगा? वहाँ तो नहीं चलेगी ना धंधा, वो कीर्तनकार कौन पूछेगा? वेदांत शास्त्री बोलना पड़ेगा ना, वेदांत आचार्य बोलना पड़ेगा, कहाँ से होगी? काशी से वेदांत आचार्य, ये भी कहना जरूर, ऋषिकेश चला ऋषिकेश तो कम वैल्यू है ऋषिकेश का वेदांत आचार्य, काशी से परीक्षा दिया तो बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है। अब वो आपको जनता से वहाँ लाभ उठाना है, उसके लिए जरूरत है तो ठीक है वो करो, लेकिन मोक्ष मार्ग में, साधना मार्ग में, साधना के लिए, ज्ञान के लिए, वेदांत अनुभूति के लिए, इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं। ये सब चीज़ अहमता से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कहते हैं ब्रह्मांड लोक देहेश, देह तक आ गए ना आपका प्रश्न थी, देह में भी
सद्वस्तु नहीं पृथक कर दिया। इस सद्वस्तु को पृथक करके अनुभव करोगे, असंतो अंडादयो, ये सारे ब्रह्मांड आदि क्या होगा शरीर पर्यंत सब कुछ असत मिथ्या। तब कहेगा कोई मिथ्या होने और भान नहीं होना चाहिए, कहते कुछ जरूरी नहीं है, मिथ्या होने पर भी वस्तु का भान हो सकता है, लेकिन भान होने पर भी उसका कुछ बिगड़ता नहीं, अधिष्ठान का कुछ बिगड़ता। इसे दृष्टांत हम साफ दे रहे हैं, आकाश में मालूम है आपको रूप नहीं होता, रूप मिथ्या है, आकाश जो दिखाई दे रहा है रूप वह मिथ्या है, फिर भी वो दिखाई देते रहता है, दिखाई देने पर भी वह रूप आकाश के अधिष्ठान का कुछ बिगाड़ता नहीं। तद्वत यह शरीर भी दिखाई दे, आगे श्लोक में कहेंगे शरीर भी दिखाई देता रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन उससे आपके स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तत्बाने का क्षरित उत्तम वर्तन स्पष्टीकरो, उसके भान करने में क्या क्षति है, अर्थात कोई क्षति नहीं है, इसी उक्त पदार्थ को और स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं, भूत भौतिक माया नाम असत्वे अत्यंत वासिते सद्वस्तद्वैत मित्येषा धीर्पर्येति न क्वचित। भूत भौतिक माया नाम, भौतिक के शरीर आदि भूत पंचभूत और माया, इन सब का जो कारण, ये सारी चीजों में असत्व का निश्चय हो गया, अत्यंत वासित अत्यंत दृढ़ता पर निर्णय हो गया आपको, शरीर से लेकर माया पर्यंत सारी चीजें क्या है, मिथ्या है, ये वह अत्यंत दृढ़ता पूर्वक निश्चय हो जाता है, तब क्या हुआ, सद्वस्तु द्वैतमिति एषा, जो सद्वस्तु है, जो मैं, जो आत्मा, जो ब्रह्म हूं, वह कैसा है, वह अद्वैत है। यह जो अनुभूति होगी वह अनुभूति कभी दोबारा न विपरीत क्वचित, दोबारा कभी भी यह बुद्धि उल्टेगा नहीं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, यह कभी पलटने वाला नहीं। अभी आप सोचते हैं मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, वह दूसरा के गाली दे दे तो उसे लड़ जाएंगे, तुरंत गाली लगती है आपको, बुरा लगता है, इसने मुझे गाली दे दिया। अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती है, अब गाली नहीं दोगे तो भी काम चलेगा, आप उसने गाली तो उसको डांटोगे नहीं, फिर तो अत्याचार बढ़ेगा दुनिया में, ये भी तो समस्या है। तब हम लोग कहते हैं बात सही है, जैसे वो ना किसी को प्रतिकार नहीं करना, गुरु ने कह दिया और सांप है फुस कर दिया, प्रतिकार नहीं किया तो सांप ने काट दिया, वो लोग गुरु के पास ले गए, गुरु ने से गुरु से कहा गया, तो गुरु ने तुम ये थोड़ी कहा था कि भाई कोई फुस करेगा तुम खुद कुछ मत करो, ये कब कहा, तुम्हें प्रतिकार करो इन द्वेष भावना से निकलो, अंदर से द्वेष भावना नहीं जन्मनी चाहिए, दूसरे ने गाली दी, दूसरे ने लड़ाई किया, कुछ झगड़ा करा, मारा, पीटा, कुछ भी कर रहा है, उसका प्रतिरोध जरूर करो, इन अंदर से द्वेष भाव से नहीं, केवल एक धर्म की व्यवस्था और अन्याय और अत्याचार पर रोकथाम और नियंत्रण के लिए आपको प्रतिरोध कर देना है। हाँ, तृणवत होने का मतलब क्या है, अंदर से कोई राग द्वेष ना होना, और घास भी देखिए अपने जब अपने जब प्रतिरोध भी कर रहा है, नहीं करता ऐसे नहीं, अत्यंत एक घास खड़ा कर दो पत्थरों के बीच में बैठा है, वो भी कुछ देर पानी को यूं रोकते रहता है, पानी के साथ बहेगा नहीं इतना आसानी से, अपनी क्षमता के अनुसार वो रोकता, जल का वेग बढ़ जाए तो बहने देता है, अपने आप को छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध आपकी शक्ति उसमें है, यावत आवश्यकता दिखाई देती है तावत पर्यंत प्रतिरोध होता है, क्योंकि वह अंदर में राग द्वेष नहीं है, जड़ में, क्योंकि इस घास में जड़ नहीं, इसे तृणादपि तृण मने सूखा घास, अभी जड़ नहीं है उसका, जड़ रहित है, हमारे यहां जड़ क्या है, राग द्वेष, उससे रहित होना पड़ेगा। जब राग द्वेष रहित आप कहीं उपकार कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, वो आप कर नहीं रहे हैं, क्या राग द्वेष नहीं है ना, राग द्वेष पूर्वक ही कर्तृत्व आता है, राग द्वेष नहीं है तो आप कर कहां रहे हैं, वह प्रतिरोध हो या उपकार हो, अपराध कर्म वर्षात संसार का हित में होता है, सर्वभूत हिते रता, इसने कहा सर्वभूत हिते रता, वो स्वाभाविक हो जाती है ना फिर प्रवृत्ति,
उसके शरीर की जो प्रवृत्ति राग द्वेष अधीन होकर नहीं है, किंतु एक स्वाभाविक ही प्रवृत्ति, एक सामाजिक, एक प्राकृतिक व्यवस्था के, जैसे भगवान का अवतार क्यों हो रहा है, क्या जो भगवान ब्रह्मज्ञान नहीं है क्या, उसका अवतार क्यों होता है, एक प्रकृति के संतुलन बनाए रखने के लिए। यदा यदा धर्म शिग्ला निर्भवति भारत, धर्म और अधर्म का संतुलन के लिए ही भगवान का अवतार होता है। और इस अवतार काल में किसी पर तो कृपा कर रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, दोनों हो रहे हैं, प्रतिरोध भी हो रहा है, उपकार भी हो रहा है। उसी प्रकार से इसलिए ब्रह्मसूत्र लीलावत्त कैवल्यम सूत्र है, ब्रह्मसूत्र। फिर ज्ञानी का शरीर क्या है, प्रारब्धाधीन होकर के संसार का हित में चाहे प्रतिरोध हो चाहे उपकार हो वो होने लगता है, उसकी अपना अहंकार नहीं रह जाता। जिस अहंकार कारण से राग द्वेषपूरी का प्रवृत्ति होती है वो नहीं होगी, उसको मैं त्रिनादपि सुनिश्चित के लिए तो एक वर्ष अहंकार को त्याग दिया, बाद में जो प्रतिरोध है या उपकार है वो सारी चीजें प्रारब्धाधीन स्वाभाविक ही प्रवृत्ति हो जाती है। केवल धर्म अधर्म का संतुलन मात्र के लिए प्रवृत्ति हो जाती है। इसे इनका गाना है, धीर विपर्येत न क्वचित, कभी भी अहम ब्रह्मास्मि की बुद्धि नष्ट नहीं होगी और कभी नाहम ब्रह्म ऐसा दोबारा नहीं होगा। अहम जीव, अहम जो अमुक आनंद, अमुक जो आदमी हूं, ब्राह्मण इत्यादि बात दोबारा वह अहंकार और तार्श वृत्ति नहीं होगी, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति ही सदा बनी रहेगी। भूतानाम आकाशादीनाम भौतिकानाम ब्रह्मांडादीनाम मायायाश्चतुर्थ कारण भूताया मिथ्यात्वे विवेक ध्यानाभ्याम चित्त दृढ़ वासिते सति। भूतानाम मने आकाशादीनाम, भौतिकानाम मने ब्रह्मांडादीनाम, ब्रह्मांड उसके अंदर लोक, लोकों के अंतर्गत शरीर सब, मायायाश्च इन सभी का जो कारण भूता माया, इन सब का मिथ्यात्व कैसे, विवेक ध्यानाभ्याम युक्ति और ध्यान से, चित्ते दृढ़ वासित है अपने अंतकरण में दृढ़ वासना इसके बना दिए जाने पर, सती मैंने सद्वस्तु नो अद्वैत बुद्धि ही, सद्व ऐसा करने पर सद्वस्तु की जो अद्वैत बुद्धि है वह बुद्धि कदाचित भी न विहन्यते, विपरीत में न विहन्यते, वह कभी नष्ट नहीं होती, बदलती नहीं है, स्थिर रह जाती है। वो फंसे नहीं है, यदि फंसे हैं उनके आंतरिक, हम लोग बोल देते फंस गए हैं, लेकिन क्या हम हृदय के अंदर जाके देख पा रहे हैं उनकी जो बाह्य जितनी प्रवृत्ति हो रही है वह स्वाभाविक ही है या राग द्वेष पूर्वी का है, प्रारब्धानुसारी प्रवृत्ति हो रही है। मैं फिर जिस लोग कृष्ण भी, कृष्ण पर भी आरोप लगा दिया, आप उस आरोप को खारिज क्यों कर देते हैं, क्योंकि आप भगवान है, जलवा नहीं हो सकता, ये मान लिया आपने भगवान होने से नहीं है, है ना, नहीं तो आरोप लगाने वाले वहां भी तो आरोप लगा दिए, राम पर आरोप नहीं लगे क्या, कृष्ण पर आरोप नहीं लगे क्या, लेकिन चिंतक लोग विचारक लोगों के दृष्टिकोण में वो आरोप है, सत्य नहीं। इस तरह से हम जो कर फंस गया ये भी आरोप हो सकता है, वे सत्य वास्तव में फंसे हों वे जरूरी नहीं, क्योंकि यह हमारे इतनी क्षमता नहीं है कि हम उनके हृदय में घुस जाए और उनकी प्रवृत्ति में कारण तक पहुंचे, राग द्वेषपूरी का प्रवृत्ति है या प्रावधानुसारिणी प्रवृत्ति हो रही है, ये डिफ्रेंशिएट आप कर पा रहे हैं, कैसे हम कह देंगे कि ये जो ब्रह्मज्ञानी जो ब्रह्मज्ञानी में थे और अब ये फंस गए, कैसे निर्णय लें। बाह्य जो व्यवहार है बस बाह्य व्यवहार का कारणभूत प्रवृत्ति का कारण भी हमें जानना पड़ेगा, तब निर्णय होगा यह प्रवृत्ति जो हुई है वो फंसना हुआ या लीलावत हो रहा है, पहले हम निर्णय नहीं ले सकते कि प्रार कर्माचरण कई चीजें हो सकती है, लेकिन ज्ञान भंग नहीं हुआ तो कोई दोष नहीं। इसलिए तो जन भरत आदि के दृष्टांत है ना, तीन जन्म आदि के बाद मुक्ति हुई, लेकिन उनके ज्ञान था, ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन ज्ञानोत्पत्ति बिना ज्ञानानुभूति के पूर्व क्षण में हुई जो प्रारब्ध कर्म के कारण उत्पन्न जो कर्मफल प्रारब्ध जो बन गया था उसे उसे तीन जन्म तक उनको लेना पड़ा जन्म, लेकिन तीनों जन्म में उनको पूरे नाटक जैसे जीवन चल रहे कि सदा अहम ब्रह्म का ज्ञान बना हुआ, लेकिन तीन जन्मों में जो जो जन्म उन्होंने लिया लोगों ने जो देखा हो ये समझे होंगे सब अज्ञानी है,
उनको यही सोचा होगा उनके बारे में, लेकिन मान गया नहीं थे, अष्टावक्र थे। कई उनके दृष्टांत आते कथाओं में, देखने में तो ऐसा शरीर था, अलग महापापी लग रहे थे, इतना टेढ़ा मेढ़ा शरीर। ये तो मानेंगे ना आप, किसको रोगवान शरीर तो क्या मानते, पाप के कारण से रोग हो गया, आठ जगह वक्र तो महारोग महा बीमारी है उसकी तो एक तरह से। तो फिर भी वो परम ब्रह्म ज्ञानी थे। निर्भर होता है इस व्यक्ति के प्रवृत्ति मात्र को देख करके हम निर्णय नहीं ले सकते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञानी पतित हो गया कि नहीं हो। आंतरिक वृत्ति क्या है, बाह्य प्रवृत्ति के कारण ही आंतरिक जो वृत्ति है वो किस प्रकार की, उस पर निर्भर। और वो एक आम आदमी जान नहीं सकता है। अब हम लोगों ने भगवान को कृष्ण भगवान मान लिया, क्यों मान लिया, क्योंकि उन्होंने ऐसी लीलाएं कर दी बचपन से जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। और आम आदमी का स्टोरी जैसे कृष्ण का स्टोरी लिख दिया जाए, उतना को मारा वो नहीं लिखो छोड़ दो उस कथा को, तो क्या होगा, फिर कृष्ण भी ऑर्डिनरी मैन हो जाएगा। उनकी उन लीलाओं के कारण से ही हम उनको भगवान मान रहे, जो एक आम बच्चा नहीं कर सकता वो काम उन्होंने कर दिखाया। इसे मालूम होता है उनके लिए शरीर बाधक नहीं था किसी प्रकार की प्रवृत्ति में, अर्थात वो ईश्वर थे। ईश्वर के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता जो शरीर में बाधक को उल्लंघन करके कार्य कर दिखावे। तो इन कारणों से हम लोग ईश्वर मान कर लिया, उसलिए वहां पर हमें सारा दोषों को मिटा देते हैं, सब बार वो किनारे कर देते हैं। यहां आकर के समस्या हो जाती गुरुओं के साथ सबके साथ, क्योंकि हम उस भाव से उनको देख नहीं पाते, ऐसे कोई चमत्कार नहीं दिख रही है, और चमत्कार करने लग जाए तो सारा दोष हो जाएगा आदमी नहीं बोलेंगे। चमत्कार को नमस्कार है दुनिया में, आज कलयुग तो वैसे ही है। अब शिरडी साहब बाबा को मान रहे, क्यों मान रहे भाई, कि चमत्कारों की कहानियां बन गई है वहां, तेल भी नहीं था पानी डाला दीपक जल के कहानियां बन गई है लंबी जोड़ी पचासों, लोग लाइन लगा रहे, उनकी श्रद्धा से उनको फल मिल रहा है, सोचे शिरडी बाबा की कृपा हो रही है। अरे कहां बाबा की कृपा, इसे तुम्हारी श्रद्धा का फल तेरे को मिलता है, ये क्यों नहीं मानते। आप श्रद्धा करेंगे, यो वच गीता में क्या श्रद्धावान लभते ज्ञान उदय श्रद्धदत पुरुष, यो श्रद्धा सयो पुरुष, जो जैसी श्रद्धा होता है वैसे ही पुरुष माना जाता है। आपकी श्रद्धा आप जहां भी चाहे श्रद्धा बढ़ेल तो अपनी वहां से आपको प्रतिफलन के फल मिलेगा, वहां से कृपा हो रही है नहीं हो रही वो तो सेकेंडरी है, प्राथमिकता है आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा ही फल देती है। लोग कहते महाराज अब कृपा कर दो, मन ही मन सोचते कृपा क्या करूंगा, है श्रद्धा हो तो कृपा बहेगी, श्रद्धा नहीं हो तो कहां से बहेगी, कोई देने वाली चीज है कि कृपा, एक भावना विशेष है ना, भावना विशेष तो बहने वाली चीज है। अब कोई कहो महाराज आप मुझे प्यार करो, कैसे प्यार करो, प्यार करो क्या, अरे प्यार तो हृदय की भावना है, है? तो भावना अपने आप होता है, स्वाभाविक ही है, कोई दिखावटी होता है क्या, तो एक्टिंग क्या करेंगे, हमें एक्टिंग करो फिर कहोगे ढोंग कर रहे, ये भी तो समस्या है, विचित्र दुनिया है, इसमें है ये जालों में फंसना ही नहीं चाहिए। स्वाभाविक रहो, अपना प्राण कर्मा से चल रहा है, जो जा रहा है आ रहा है ठीक है, जो आरोप लगा रहा है तो ठीक है, पूजा कर रहा है तो ठीक है, जो हो रहा है तो ठीक है, उसकी टोटल उपेक्षा करके अपने लक्ष्य में स्वाध्याय में साधना में चिंतन में लगना चाहिए।